शुक्र है आज वो हाथी के बच्चे यहाँ खेलने नहीं आए। जब देखो तब धमक पड़ते हैं, उधम मचाते हैं और ये क्या है? कल तो ये यहाँ नहीं था। ओह, इससे तो बदबू आ रही है। मुझे बाकियों को इसके बारे में बताना होगा। बल्लू, बघीरा, हमारे जंगल में कुछ हरे पेड़ दिख रहे हैं जो कल तक तो नहीं दिख रहे थे। इसमें चौंकने वाली क्या बात है, हमारा तो पूरा जंगल हरा हरा है। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझो बघीरा। चलो जरा हमें भी तो दिखाओ अपने ये हरे पेड़ की, तुम्हारी बात और अच्छे से समझ में आएगी। हाँ क्यों नहीं बलू, मेरे पीछे आओ। देखा बघीरा, हरे पेड़। मैंने क्या कहा था? हाँ वही तो, बड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने ऐसे पेड़ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। ये तो फफूंद है। बड़ी गंदी बदबू है। फफूंद मतलब बलू? ये पेड़ों पर होने वाला संक्रमण होता है मोगली। इससे नुकसान होता है? अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है तो भारी नुकसान कर सकता है। अगर सभी पेड़ों पर ऐसी ही फफूंद लगी रहेगी तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें इसी वक्त सभा बुलानी चाहिए। अब पेड़ों पर लग रही फफूंद के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। जकाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ करो वरना फफूंद मेरे इलाके को तबाह कर देगी। घबराओ मत, मुसीबत के वक्त मैं खाना पीना भूल जाता हूँ। इस हरी फफूंद ने तो मेरे भी दिमाग की घंटी बजा दी है। मेरे घोंसले वाले पेट पर भी फफूंद लगी है। इससे मेरी त्वचा और सूख रही है, मेरी खुजली बढ़ती जा रही है। बलू, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। मैं जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैं भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। इसका कोई तो इलाज होगा दोस्तों, जिसे हम पेड़ों पर छिड़क सकें और उस फफूंद को हटा सकें। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है अकेला, और पता नहीं ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने पहले भी ऐसी ही फफूंद कहीं देखी है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी थी और कब। मैंने तो सुना था हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, पर इसकी बड़ी कमजोर है। याद आ गया, तुमने भी ये देखा है गजिनी, ये हरी फफूंद इंसानी जंगल के पेड़ों पर लगी थी जहाँ हम काम किया करते थे। हाँ हाथी, तुम्हें तो बहुत पुरानी बात याद है। तो इंसान उन पेड़ों का क्या करते थे, उन्हें काट देते थे क्या? नहीं, पेड़ों को काटा नहीं जाता था, पर वो उनमें कुछ अलग करते थे। वो याद करने की कोशिश करो ना। वो पेड़ों पर कोई तेल लगाते थे। क्या तेल? कैसा तेल? वो बहुत ही गाढ़ा तेल होता था। क्या वो काम करता था? उससे फफूंद फैलना बंद हो जाती थी? सच कहूँ तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें ये तेल ढूंढना होगा, शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तुम्हें उस तेल का नाम याद है? क्या वो कोको तेल था? नारियल का तो नहीं था? अरे नहीं, वो जिस पेड़ का तेल था उसी से उसका नाम था। ताड़ का तेल? देवदार का तेल। अरे हाँ, यही वाला था। देवदार का तेल, मैंने ये सुना है। बचपन में जब मैं राजमहल में रहता था तो इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए करते थे। उसकी अजीब सी महक होती है, बहुत ही तेज खुशबू वाला होता है। एक दिक्कत है, देवदार के पेड़ हमारे जंगल में नहीं होते। अगर इंसान देवदार के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें इंसानी गाँव से मिल सकता है। तुम ये तेल ढूंढ सकते हो बघीरा? हाँ, अगर इंसानी गाँव में होगा तो मैं खुशबू से पहचान लूंगा। मेरे पास एक प्लान है, बघीरा और मैं इंसानी गांव में जाएंगे और तुम दोनों यहाँ की। तेल मिलने के बाद
हम उसे नदी में छोड़ देंगे जहाँ से चील उसे देख सके, और चील तुम्हें इशारा करेगा कि तील तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। बलू, मैं इंतजार करूंगा मोगली, अब चलो। यही तेल है? नहीं, ये शराब है। ओ छी, ये क्या है बघीरा? पता नहीं चल रहा। ये है मुगली, ये वाला, इन सब में वही तेल है। हाँ वही है। पर हम तो दो ही ले जा सकते हैं बघीरा। तुम्हारी बारी बघीरा। बघीरा, बचाओ बचाओ, तेंदुआ आया है, अंदर तेंदुआ घुसा है, जल्दी आ जाओ। वहां अंदर जाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। बस जल्द ही तेल आता होगा। पता नहीं मोगली किस तरह तेल भेजेगा, इसीलिए हमें एक एक चीज जांचनी चाहिए। छुपने का कोई फायदा नहीं है, बचकर नहीं जा सकता। वहाँ ऊपर कौन है, देखो जल्दी बघीरा। वो देखो बच के आ जाता है। तेल कहाँ है? चील का इशारा। आगे जाकर देखो नदी में आगे क्या चल रहा है जकाला। जकाला, हमने कर दिखाया बघीरा। सब तुम्हारी वजह से हुआ दोस्त। चलो काम पर लगे। कुछ मत छोड़ना, हर हिस्से पर तेल लगाना। अगर ये तेल कम पड़ गया तो क्या करेंगे मोगली? फिक्र मत करो, वहाँ ऐसे बहुत से डिब्बे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता उस वाके के बाद वहाँ कोई दोबारा जाना चाहेगा। हाँ मैं तो नहीं जाऊंगा बलू। ये बात, एक बार फिर हमारा जंगल पहले जैसा हो गया। हाँ अब कुछ बर्बाद नहीं होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ मोगली। नहीं रक्षा, इस काम को किया है बघीरा, अकेला, हाथी, गजिनी, चील, इकी, डाजी और तुमने रक्षा और बलू ने। इतने काम के बाद मुझे भूख लग गई है। घबराओ मत, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया।
चटाला, तुम्हारे बिना ये काम नामुमकिन था। सुबह की शुरुआत लाल चिड़िया के साथ। टेस्टी टेस्टी बेरीज, सब के सब खा जाऊंगी। डांसी, वहां से दूर हटो। अरे नहीं, आज मछली पकड़ने के लिए एक भी केचुआ नहीं मिल रहा। कोई मदद करो, शेर खान आ गया। कोई तो डार्सी की मदद करो। नन्ही चिड़िया दौड़ा कर और भूख बढ़ा दी। तो मैं क्या करूं, मुझसे तेरा पेट नहीं भरेगा। थोड़ा भी नहीं। डॉर्जी, ये क्या हुआ? मैंने इसकी बहुत ही बंद कर दी। बड़ा आया मुझे खाने वाला। सच्ची मान गए तुम्हें डॉर्जी। उम्मीद करती हूँ हमारे बच्चे भी डार्सी जैसे हो, ताकि वो शेर खान जैसे ताकतवर की भी छुट्टी कर सके। और डार्सी को लगा उसने शेर खान को मारा, और ये सुनकर तो वीरा और रवि चौंक ही गए। सच में, काश ये देखने मैं भी वहाँ होता। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है मोगली। पर क्यों? डार्सी पहले ही बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है, अब ऊपर से उसे गलत फहमी हो गई है, सोचो इसका उस पर कितना असर होगा। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, अब तो वो किसी मुसीबत में फंस सकती है। और क्या, अब जाओ और इसी वक्त उसे सच बता कर आओ। शेर खान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? खामोश गीदड़, मेरा सर दुख रहा है। मतलब सच में उस डार्सी ने आपका बैंड बजाया? क्या बकवास कर रहा है, मेरे सर पर एक नारियल गिर गया बस। पर पूरा जंगल इस बकवास पर हंस रहा है शेर खान। बेवकूफ चिड़िया, उसे तो मैं एक निवाले में अरे मेरा सर। सिर में बहुत दर्द है क्या? हाँ बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाकर उस छुटकी को सबक सिखाओ टबाकी, जंगल में मेरी किल्ली नहीं उड़नी चाहिए। और एक ही झटके में मैंने उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। सपना देख रही थी क्या? डार्सी, तुमसे एक बात करनी है मुझे। बात 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 में करना, पहले कोई मेरी मदद करो। अरे क्या हो गया एकी? उस हरजीत ने मेरे केले चुरा लिए और भाग गया। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर। अरे नहीं नहीं, मैं जाती हूँ ना, ये काम मेरे बाएं पांव का है। सुपर डार्सी ढूंढेगी एकी का केला। सुपर डार्सी, मुझे जल्द ही वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो डार्सी को भी खा लेगा। हरजीत किस तरफ भागा था? नदी की तरफ। अरे नहीं, भला मैं डार्सी से क्यों बदला लूं? मैं शेर खान का नौकर हूं, जो मैं उसका काम करूंगा। पर एक बात तो है, लाल चिड़िया स्वादिष्ट बहुत होती है। डार्सी रुको तो, अभी टाइम नहीं है, जरूरी काम है। अच्छा ये तो बताओ, तुमने सच में शेर खान को मारा? और क्या, उसके मुंह पर एक घूसा मारा और वो वही बेहोश हो गया। ओह, एक बार दिखाओ ना तुमने ये कैसे किया। मान लो मैं शेर खान हूँ और मैं तुम्हें खा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे पास आया, मैंने कहा दूर हो जा मुझसे, तेरा पेट मुझसे नहीं भरेगा। उसने अपना मुंह खोला ऐसे ही, और फिर तुम्हारी तबीयत तो खराब है, जल्दी बल्लू के पास जाओ, वो तुम्हें दवाई नहीं देगा। मैं जा रही हूँ। मुझे इसे डराकर दूर भगाना होगा, वरना डार्सी से लड़ना शुरू कर देगी। बाल बाल बचा, ये तरकीब तो काम नहीं आई। कुछ सोच मोगली, कुछ सोच।
लगातार छींके आ रही हैं। अच्छा ये बताओ, तुम हाल ही में किसी चिड़िया के संपर्क में आए हो क्या? चिड़िया? ओहो नहीं तो। यानी तुम्हें पक्षी के पंख वाली एलर्जी तो नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। क्या इसमें अच्छी बात क्या हो गई? क्योंकि पक्षी के पंख वाली एलर्जी का एक ही इलाज है, पक्षियों से दूर रहना। तो यहाँ हो तुम चोर कहीं के? देखा, ये भी मुझसे डरकर भाग गया। माफ करना डार्ज़ी, वो तुम्हें देखकर नहीं भागा। ओकली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हरजीत क्यों भागा। मैंने एक नकली चील बनाई और जब हरजीत की नजर उस पर पड़ी तो वो डरकर भाग गया। हाँ? ये बताओ कहाँ है तुम्हारी चील? इन पत्तों से ही तो बनाई थी। कितनी कहानियाँ बनाते हो मोगली, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रहे हो? दाजी, भला मैं तुमसे क्यों जलूंगा? तुम सचमुच ताकतवर नहीं हो, और शेर खान को भी मैंने ही बेहोश किया था दाजी, उस पर नारियल फेंक कर। ये कहानी कहीं और जाकर सुनाओ। मेरी बातें तो उसे कहानियां ही लगेंगी, पर मैं उसे असलियत दिखा तो सकता हूँ। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो शेर खान मुझे मार देगा। दाजी! तुमने सही कहा था दाजी, मैं तुमसे जल रहा था, तभी तो मैं तुमसे ऐसी फालतू बातें कर रहा था। मानते हो ना? देखो मोगली, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती हूँ। जानता हूँ, चलो अब दोस्ती कर लो। अब मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें टेस्टी कीड़े मिलेंगे। अरे वाह वाह, चलो ना। इसके नीचे है, पर उसके लिए तुम्हें ये पत्थर हटाना होगा, और तुम तो ये आसानी से कर लोगी, है ना? क्यों नहीं। अरे नहीं, लगता तुम्हारी ताकत खत्म हो गई। अरे नहीं, मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रही। तुम में ताकत नहीं है दार्ज़ी, मैं दिखाता हूँ ताकत किसे कहते हैं। मोगली, मैं वो हटाने ही वाली थी। मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ, मेरा एक पंख पकड़ो। आज के बाद किसी चिड़िया के पास नहीं भटकूंगा। शुक्र है बच गया, पर अभी भी बेचारा जुकाम से परेशान लग रहा है। मैं इसे अपने टूटे पंख दे दूंगी मोगली, ताकि इसे गर्मी मिले। दाजी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? उसका इरादा तुम्हें मारने का था। वो भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा था, पर अब मेरा सिर दर्द ठीक है तो ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। शेर खान के बच्चे तो फिर आ गया मुझसे उलझने। तुझे सच में लगता है कि तूने ही मुझे गिराया था नादान परिंदे? उस समय मेरे सिर पर पेड़ से नारियल गिरा था, समझी? पेड़ से नहीं गिरा था शेर खान, वो नारियल मैंने फेंका था दार्ज़ी को बचाने के लिए। तुमने मुझे बचाया मोगली। ठीक है तो सजा भी तुझे ही देता हूँ, इंसानी बच्चे। दूर हो जाओ, मोगली को जाने दो। माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी मोगली, मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दाजी, तुम मदद कर सकती हो, उसकी नाक पर चोंच मारो। इस बार मैंने सच में शेर खान को मार गिराया। तुम सबसे ताकतवर भले ही ना हो दाजी, पर इस जंगल की सबसे बहादुर पक्षी जरूर हो।
ना शेर खान, मैं मदद कर देती, पर इस नादान परिंदे का मन नहीं है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखा।